नमस्कार। सादृश्य ध्वज सहजता से कैसे बनाया जाए ब्लेंडर पर, आइए सीखें। हम एक नई संचिका लेते हैं, इसमें घन की हमें आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे हम मिटा देंगे। हम इसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ेंगे, जैसे जाल, समतल। समतल को हम सामने से देखेंगे और इसे एक्स पर 90 अंश घुमा देंगे। 3 गुना एक्स अक्ष पर एवं जेड अक्ष पर 2 गुना हम इसके संपादन रूप में जाते हैं। इन दोनों शिरोबिंदुओं को चयन करके हम W दबाएंगे और इनका विलय कर देंगे केंद्र। A दबाएं, सभी को चयनित किया। W प्रतिभाग, W प्रतिभाग, W प्रतिभाग, प्रतिभाग, प्रतिभाग पास करके इसे देखेंगे। इतने शिरोबिंदु हमारे लिए पर्याप्त हैं, इससे हम बेहतर अनुप्राणन, सादृश्य अनुप्राणन कर सकते हैं। W चिकना, ताकि हम सतह को बेहतर देख सकें। वस्तु रूप में वापस आकर हमें इसमें कपड़ा भौतिकी लगानी होगी। कपड़ा और हमारा ध्वज लगभग तैयार है, परंतु हमें ध्वज के कुछ बिंदुओं को स्थिर करना होगा, वरना ये ध्वज नीचे गिर जाएगा भौतिकी के सिद्धांत के अनुसार। अतः हमें इन शिरोबिंदुओं को शिरोबिंदु समूह बना में सहेजना होगा। निर्दिष्ट कर देते हैं, अब हमें कपड़े में इन शिरोबिंदुओं को कीलित कर देंगे। कील लगाएं, समूह। अब हमारा लगभग तैयार है ध्वज। हमें द्रव्यमान को परिवर्तित करना होगा। 0.02 संरचनात्मक हमें परिवर्तन लाने होंगे। झुकाव भी हम बदल सकते हैं, 0.2 हमें लचक चाहिए, 1 अधिक नहीं। हमें यहाँ सभी कुछ लगभग ठीक दिख रहा है। संरचनात्मकता आप उसको परिवर्तित कर सकते हैं अपने अनुसार। हम यहाँ और भी देखेंगे, जैसे कपड़ा टक्कर, तो आत्म टक्कर को भी यहाँ पर ठीक। हमारे ध्वज पर हम इसे चलाकर देखते हैं। ऑल्ट ए दबाते ही आप देखेंगे कि ध्वज किस तरह लहरा रहा है।
क्योंकि ये बहुत हल्का है इसलिए इसे अधिक समय लग रहा है इतने नीचे आने में। हमने इसे जानबूझकर हल्का बनाया है, अब हम इसमें कुछ और भी चीज़ें जोड़ेंगे जैसे बल। हम इसमें पवन बल जोड़ेंगे, इस पवन बल को आर इसे थोड़ा सा तिरछा करना होगा ताकि ये काम कर सके बेहतर। और हम इसे काम करते हुए देखेंगे प्रयोक्ता परिदृश्य में, क्योंकि इसकी शक्ति अभी बहुत कम है तो हमें पहले इसकी शक्ति बढ़ानी होगी। हम इसे 650 शक्ति देते हैं। अब हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा ध्वज लहरा रहा है और तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसमें एक दंड भी लगा सकते हैं या अन्य किसी स्थान पर इस तरह का ध्वज आप लटका सकते हैं। धन्यवाद।